अगर आप स्पेक्ट्रम और इन्फिनिटी के कंपेन सीख रहे हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इस वीडियो में मैं आपको उसके कीवर्ड रिसर्चिंग के बारे में बताऊंगा कि आपने कौन कौन सी कीवर्ड रिसर्चिंग करनी है और कैसे करनी है और क्या तरीक़ेकार है। तो इसमें दो सिनेरियो आते हैं कीवर्ड्स के रिलेटेड। एक होता है पॉजिटिव कीवर्ड, एक नेगेटिव कीवर्ड। पॉजिटिव कीवर्ड वो होते हैं जो बंदा सर्च करे, वो आपकी कंपेन पे आए, आपको कॉल करे, तो ये एक पॉजिटिव हो गई। नेगेटिव कीवर्ड जो होते हैं वो हम बहुत बल्क क्वांटिटी में ऐड करते हैं, हज़ारों की तादाद में, और उसका रीज़न ये होता है कि आपके रिलेटेड अगर कोई चीज़ नहीं है तो वो किसी मतलब फॉर एग्जांपल आप एक बंदा प्लम्बिंग का सर्च कर रहा है और आपका ऐड जो है वो उसके सामने आ जाता है, क्योंकि गूगल जो कोशिश करता है अपनी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आपका ऐड दिखाए, वो जौन से भी कीवर्ड में से आए हैं। लेकिन आपने नेगेटिव कीवर्ड कर दिया तो ये आपने अपने ऐड को नरो डाउन कर लिया, आपने नरो कर लिया कि आपका ऐड जो है वो स्पेसिफिक इन इन कीवर्ड्स को शो होगा। तो कीवर्ड प्लानर जो होता है ये हमारे पास गूगल एड्स में एक फ्री टूल आता है कीवर्ड रिसर्च के लिए, हमारे पास पेड टूल भी है, लेकिन गूगल प्लानर जो है वो नॉर्मली ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं। एक हमारे पास ये वाला टूल भी आता है सेमोरिश का, तो ये मेरे पास तो अभी ये पेड है, लेकिन ये जो है ना हमारा गूगल कीवर्ड प्लानर ये फ्री है और आप इसको हर चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से हम कीवर्ड जो है रिसर्च कर सकते हैं, और रिसर्च करने के दो तीन तरीके हैं। एक तो आप किसी का अपने कंपटीटर का वेबसाइट उठा के उससे सर्चिंग कर सकते हैं, उनके रिलेटेड सारे कीवर्ड उठा लेते हैं, या भाई सीन ये करते हैं कि आप एक वो करते हैं स्पेसिफिक वर्ड डाल लेते हैं, जैसे कि मैं स्पेक्ट्रम, सही है, स्पेक्ट्रम, और आपने ख्याल ये रखना है कि आपने ये लोकेशन जो है ये चेंज करनी, क्योंकि मैं ये कंपेन यूनाइटेड स्टेट में चला रहा हूँ तो मैं टारगेटिंग भी यूनाइटेड स्टेट को ही करूँगा। तो ये यूनाइटेड स्टेट में आ गया, तो स्पेक्ट्रम स्पेक्ट्रम बिल आई वांट टू पे माय बिल स्पेक्ट्रम इंटरनेट, तो ये हमारे पास कीवर्ड आ गए हैं। तो यहाँ पे आप किसी एक वेबसाइट से भी ये कीवर्ड जो है वो फ़िल्टर कर सकते हैं, लेकिन अभी मैं आपको ये दो तीनों तरीके बता देता हूँ। खासकर मतलब नॉर्मली ये दो तरीके यूज़ होते हैं। तो ये आए हमारे पास कीवर्ड्स, तो कीवर्ड्स आप देख सकते हैं कि ये कीवर्ड्स हैं और इनके एवरेज मंथली सर्चेस क्या है, 3 मंथ चेंज क्या है, और वाई ईयरली जो चेंज है वो क्या है, कंपटीशन कितनी है। और आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि टॉप पेज बिड है या लो बिड इसकी कितनी है, और इम्प्रेशन इसके कितने हैं शेयर्स के, तो ये सारे जो है वो आप देख सकते हैं इसमें से। तो यहाँ से आप अपने कीवर्ड्स उठा लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं, एक उसमें टेक्स्ट फाइल में डाल लेते हैं और वहाँ पे आप फिर यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको ये एक सजेशन दे रहा है। इस साइड पे अगर आप राइट साइड पे देखें तो आपके पास रिपाइन कीवर्ड्स का आ रहा है, ब्रांड एक्सपेंस सर्विसेज और डिवाइस अदर, तो ये सारी चीज़ें आप इसको नरो डाउन भी कर सकते हैं। फिर आपको ना ब्रांड में ना चले जाएं तो नॉर्मली ये होती है नॉन ब्रांडेड कंपेन, तो पाकिस्तान से जो लोग चलाते हैं वो नॉन ब्रांडेड ही सेलेक्ट करते हैं, फिर ये ब्रांडेड जो है वो फिल्टर कर लेते हैं कि ब्रांडेड कीवर्ड जो है वो मुझे शो ना हो, तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हम RDP यूज़ कर रहे हैं, तो RDP के लिए ये इतनी बड़ी खास वो बात नहीं है। तो ये हमारे पास कीवर्ड्स आ गए। तो कीवर्ड्स में हम ये से भी आपको एक एक कट के आपके जो आपके जहन में क्वेरीज आती हैं वो सर्च कर सकते हैं, तो हर बंदे के जहन में अलग क्वेरीज आती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आया हूँ तो मेरे जहन में सर्च करने का तरीका अलग होगा, किसी और के तरीक़ेकार अलग होगा, तो इससे बेहतर ये है कि मैं किसी कंपटीटर का वेबसाइट उठा लूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ से एक ये वेबसाइट उठा लेता हूँ एग्ज़ाम्पल के लिए, ठीक है, ये स्पेक्ट्रम के रिलेटेड तो है नहीं, तो ये मैंने उठा लिया वेबसाइट। ये मैंने आप पूरे वेबसाइट को भी सर्च करते हैं, सिर्फ स्पेसिफिक पेज को भी सर्च कर सकते हैं,
तो मैंने ये सर्च कर लिया। तो ये सीन ये करेगा कि इससे रिलेटेड जितने कीवर्ड्स है इसमें वेबसाइट में वो यहाँ पे उठा लिया इसने। हबस्पॉट ईमेल जनरल, हबस्पॉट ईमेलिंग, जीमेल, ये सारे कीवर्ड्स आ गए हैं आपके पास। तो इससे भी आप वो कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं जो आप पे डिपेंड करता है। और नेगेटिव कीवर्ड्स का जो तरीक़ाकार है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सिखा देता हूँ, लेकिन वीडियो लंबी हो रही है तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाता हूँ।